प्रतापगढ़ एसपी अमृता दुहान के द्वारा जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत अवैध आर्म्स हथियार की रोकथाम और लोकल और स्पेशल एक्ट कार्रवाई के तहत करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह झारा ने बताया कि डीएसटी के हेड कांस्टेबल पंकज कुमार और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को सूचना मिली कि मौजा कनोरा से एक व्यक्ति पैदल मौजा थड़ा की तरफ आ रहा है, जिसके पास कोई अवैध हथियार होने की पूरी संभावना है, जिस पर कांस्टेबल रमेश ने साइबर सेल के विशेष सहयोग से थाना रठांजना और जिला स्पेशल टीम के सदस्यों ने थड़ा से कनोरा आने जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान कनोरा की तरफ से व्यक्ति अंधेरे में आता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगा, जिस पर डीएसटी टीम और थाना रठांजना की टीम ने घेरा डालकर उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम चमन खान बताया और जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से दो देशी पिस्तौल बरामद हुई, जिसको थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधियों में भय व्याप्त हो गया है। हथियार तस्करी विरोधी जैसे अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए गठित टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन पहले भी 5,000 का इनामी अपराधी अयूब खान को 10 अवैध हथियारों के साथ देश की टीम ने गिरफ्तार किया था।